हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ड्रॉ की थी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो इस वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केल से 3 ट्रायंगुलर शेप ट्रायंगल बना लेंगे। अगर आपको स्केल का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना दीजिए। उसके बाद वहाँ से एक लाइन बना दीजिए जिसे हम यूटेराइन कहेंगे, यानी फैलोपियन ट्यूब हमें वहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। और उसे नीचे तक लेके आइए और लेफ्ट साइड से भी ऐसी ही एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, और उसे भी नीचे की तरफ लेके आइए। और फ्रेंड्स, उसके बाद नीचे हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाना है, ऐसे सीधे ही ऐसे दोनों साइड से हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। और ऊपर की तरफ जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। और लेफ्ट साइड से भी ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाइए। उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर निकाल लेते लेफ्ट साइड से। और फ्रेंड्स, इस वाले स्ट्रक्चर को जुबिंग वाला स्ट्रक्चर है, उसे हम पिंजरे कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमें दोनों साइड से निकालना है, लेफ्ट और राइट साइड से। पहले हम लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करके ऊपर की तरफ लेके आइए। और जैसे हमने पहली बार स्ट्रेट लाइन निकाली थी वो ऐसी एक लाइन निकाल लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों साइड से, जो इक्वल हो। और इसे आप नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर तक, एक सेम पॉट लाइक स्ट्रक्चर दोनों साइड से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने जो इनपेंडिबुलम निकाला था, जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हमें नीचे की तरफ लेके आते हुए एक ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना है जो सेमी सर्कल लाइक हो स्ट्रक्चर। और ऐसा स्ट्रक्चर हमें दोनों साइड से निकालना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से हमें ऐसा स्ट्रक्चर निकालना है। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो कोन लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्क्वायर जो स्ट्रक्चर निकाली थी उसे हमें कलरिंग करनी पड़ेगी पेंसिल से, शेडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपको अगर सुटेबल डायग्राम निकालनी है तो आप उसे शेडिंग कर सकते हैं। हल्की सी शेडिंग कीजिए, ज़्यादा शेडिंग मत कीजिए उसे। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें एक नीचे की तरफ एक स्मॉल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से एक सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और
और फ्रेंड्स हमने जो ओवरी निकाली थी उससे अगर आपको शेडिंग करना है तो आप कर भी सकते हैं, दोनों साइड से आपको शेडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको एक सूटेबल डायग्राम चाहिए तो आपको ऐसी शेडिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं करनी है तो आप नहीं भी कर सकते, ऐसी दोनों साइड से कीजिए, लेफ्ट और राइट साइड से। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे मेन पार्ट जो है हमें नेमिंग करनी होगी हर एक पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इस्तमस। इस्तमस के बाद का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं द एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद के पार्ट को हम कहते हैं जो इन्फेंडिबुलम जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसे हम ओवरी कहते हैं, एक ओवरी क्षेत्र होती है ओवरी का, और उसके बाद जो विंग्स लाइक पार्ट है जिसे मैंने कहा था उसे हम पिंगरे कहते हैं, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के बाद एक जो कैनल लाइक पार्ट होता है उसे हम सर्वाइकल कैनल कहते हैं, और सर्वाइकल कैनल के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है उसे हम वजाइना कहते हैं, और वाला जो पार्ट है उसे हम यूटेराइन कहते हैं, यूटेराइन फंडस कहते हैं, यूटेराइन फंडस, और उसके बाद वाला जो ये पार्ट है उसे हम यूटेराइन कैविटी कहते हैं, जो एक बड़ा सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल जो एक थिकनिंग होती है, उसके बाद वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम कहते हैं उसे, मायोमेट्रियम के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, और इन तीन स्ट्रक्चर्स के बाद एक लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर होता है जो इस्तमस, एम्प्यूला और इन्फेंडिबुलम, इन तीनों को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं उसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इन तीनों को एक कंबाइनिंग एक जो नेम है उसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।